जहां एक तरफ आज केतकी को वो इंजेक्शन तो मिल चुका है जो कालिंदी ने गौरव को मारने के लिए लगाई थी, और वहीं अब केतकी उस इंजेक्शन को लेकर जब आकाश के पास फोन किया तो उसे वहां से पता चल गया था कि इस दवाई का इस्तेमाल तो ब्लड में क्लॉट्स पैदा करने के लिए किया जाता है, और उसे अगर किसी इंसान को ज्यादा मात्रा में दे दिया जाएगा तो उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन जब से केतकी इस बात को आकाश के मुंह से सुनी है, तब से केतकी के दिलों दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कालिंदी की नामें गूंज रही है। इसलिए केतकी भी अब फैसला कर चुकी है कि चाहे जो भी इसके पीछे का हाथ है उसका सच्चाई का पता हम लगा ही लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि अब कालिंदी ने वरदान को गौरव के केश में फंसाने के लिए वो सब घर वालों से छुपते छुपाते हुए उस छाते को जाकर कालिंदी फेंक चुकी है। इसलिए अब आगे आने वाला ट्रैक में जब गौरव की मौत को जब पुलिस जांच पड़ताल करेगा तो उस मौत के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन वरदान के खिलाफ मिलने वाला है। और वही जब वरदान और कालिंदी अपने शादी की रीति रिवाज को फिर से निभा रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस की एंट्री जाती है। और वही जब वरदान को वहां से जेल ले जाया जाएगा तभी वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले भी एकजुट होकर वरदान से गौरव को मौत का सच्चाई जानने की कोशिश करता है लोग। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अनोखा बंधन का पूरा भाग दंगल टीवी पर।